मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र जेल रोड स्थित दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम ने पहुंचकर दुकानों पर लाल निशान लगाने शुरू कर दिए और दुकानदारों को एक दिन में दुकानों को खाली करने के निर्देश देते हुए अगले दिन कार्रवाई करने की बात कही। नगर निगम की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई से दुकानदार भी दंग रह गए और उन्होंने नगर निगम के द्वारा लगाए गए लाल निशान की इस कार्रवाई के विरोध में जमकर हंगामा किया। पीड़ित दुकानदार नगर आयुक्त के कार्यालय पहुंचे मगर नगर आयुक्त से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। दुकानदारों ने मेयर से मुलाकात की, मेयर के द्वारा सुबह वार्तालाप किए जाने की बात कही गई, जिसके बाद दुकानदार कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और वहां पर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके बाद दुकानदारों ने जेल रोड पर जाम लगा दिया। दुकानदारों के द्वारा जाम लगाए जाने की सूचना लगते ही सीओ सिविल लाइन्स अर्पित कपूर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और किसी तरह दुकानदारों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। वहीं अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार भी मौके पर पहुंचे। महिला दुकानदार सुषमा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम की टीम आज सुबह ही पहुंची और लाल निशान लगाने के साथ ही इन्फॉर्म किया कि रात तक दुकान खाली कर दें, सुबह जेसीबी से तोड़ दी जाएगी। यह कहां का न्याय है, यह क्या संभव है? जेल रोड से लेकर जैन मंदिर तक दुकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं। ये जैन मंदिर जेल रोड सिविल लाइन का मामला है। यहाँ पर करीब 80-82 दुकानें हैं और जो कम से कम 65-70 साल पुरानी है और आज ही लाल निशान लगा कर गए हैं। आप देखिए कौन लगा के गया? निगम के कर्मचारी, और कहकर गए हैं कि कल तक खाली कर लीजिए, कल तोड़ देंगे हम इसे। आज में खाली करिए, कल तोड़ देंगे। हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर? कम से कम 80-82 दुकानें हैं। क्या आपके कार्रवाई की जा रही है? जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेयर साहब के पास गए, उन्होंने तो आश्वासन दे दिया कल देखेंगे, कल तक तो सारा काम कर देंगे ये लोग। प्रशासन सुनने के लिए राजी नहीं है हमारी बात। कहाँ लेके जाए बच्चों को? अगर हमारी खोखो को कुछ भी हुआ, हमारी जीविका के साथ छेड़छाड़ की गई, तो हम बच्चों के साथ अपने यहाँ पे आत्मदाह कर देंगे चौराहे पर, और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। हमारे बच्चों के साथ में हम, ये बात सही नहीं हो रही है और कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। हमारी जीविका नहीं तो हमारा जीना व्यर्थ है। हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आत्मदाह करेंगे और उसके जिम्मेदार प्रशासन को करेंगे। ये शासन और प्रशासन दोनों ही सुनने के लिए राजी नहीं है हमारी बात। हम कहाँ जाएं? हमारे को सुनने वाले नहीं है। इस दिन के लिए सरकार बनवाई थी, हमारा क्या काम है क्या? फिर हाँ जी, मेयर साहब से मिले, उसके बाद में डीएम साहब क्या गए वो अपने ऑफिस में नहीं है। नगर आयुक्त जी मिले, वो बोले कि देख के चले गए, वो तो बात ही नहीं सुनी, हम पीछे से आवाज लगाते रह गए। ये तो जान के कार्रवाई आज करी है कि इनको कोई पकड़ नहीं मिलेगा कहीं जाने का? आज लगा लेने का आश्वासन दिया गया, कुछ नहीं, कोई बात करने के लिए राजी नहीं हमें। हमारे बाप दादाओं के टाइम की दुकानें हैं ये, हमारे दादा परदादा तक बैठे हैं यहाँ पर। आज सुबह ही आए हैं और लाल निशान लगा के इन्फॉर्म किया है कि रात तक दुकान खाली कर दें, सुबह जेसीबी से तोड़ दी जाएगी। बताइए ये कहाँ का न्याय है, ऐसा क्या संभव है? 70 ये जेल रोड से लेके जैन मंदिर तक, कब से है ये दुकान आपके पास? हमारी तो 77 से है, 70-70 साल पुरानी दुकानें हैं, कोई आज की थोड़े ही ना है। इस मामले में किसी अधिकारी से बातचीत हुई? हम गए थे ना नगर आयुक्त के पास भी गए थे, वो तो देख के गाड़ी उनकी तो निकल गई, बस साहब जा रहे हैं, साहब जा रहे हैं। और उसके बाद उनसे मिले थे विनोद अग्रवाल जी से, वो बोले कि सुबह मिलेंगे। अब सुबह उनसे टाइम पूछा तो वो थोड़ा इरिटेट हो गए, वो टाइम नहीं बता पा रहे थे कि कब। सुनवाई नहीं हो पाई कहीं भी नहीं, सुबह से घूम ही रहे हैं और सब दुकान बंद करके। बताइए, और फिर हमने ये निर्णय ले लिया है अगर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हम सुबह सब दुकानदार यहीं पर आत्मदाह करेंगे, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो आज आपके द्वारा दुकानें बंद की गई? बंद कर दी सबने, हमने अपनी मर्जी से बंद की है, बंद करवाई नहीं, हमने अपनी इच्छा से बंद की है, हमने विरोध में बंद की है। आप खुद सोचिए, अब इस उम्र में 60-65 साल के दुकानदार कहाँ जाएंगे, वो सोचने की बात है। उन्होंने तो बस एक लाल निशान लगा दिया और इन्फॉर्म कर दिया, कोई समय नहीं, कुछ नहीं। कब तक का समय दिया है? आज उन्होंने बोला आज खाली कर दें और कल जेसीबी चल देगी। वहीं मामले की जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार दुतिया ने बताया कि चिन्हांकन की कार्यवाही की गई थी, उस चिन्हांकन की कार्यवाही पर दुकानदारों ने अपना विरोध जताया है। इसके संबंध में कल नगर आयुक्त महोदय के समक्ष वार्ता होगी और जो निर्णय होगा उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जब तक पूरी तरह से वार्तालाप नहीं हो जाता तब तक टीम के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। चिन्हांकन की कार्रवाई की गई थी,
उस चिन्हांकन की कार्रवाई पर आप लोगों ने अपना विरोध जताया है। इसके संबंध में कल सुबह नगर आयुक्त महोदय के सामने वार्ता होगी और जो निर्णय होगा आगे वो इस तरीके से कर लोगों का जाम भी लगाया गया, उनका रोके नोटिस। अब वो बात हो गई है, अभी ये सब लोग सुबह आएंगे, सुबह नगर आयुक्त साहब के सामने बात होकर के तब कोई अब कल कोई कार्रवाई नहीं होगी। कल जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक कोई सर कितने एरिया में अब इस रोड पर है यहाँ से और गोरट्टी चौराहे तक जो भी है उनको सब पर चिन्हित किया गया है निर्माण निगम के द्वारा, जो स्मार्ट सिटी की कार्रवाई संस्था है उनके द्वारा चिन्हांकन की कार्रवाई की गई थी, तो उस पे आप लोगों का विरोध है, उस पे कल बात करेंगे, ठीक है। तो वही भाजपा विधायक रितेश गुप्ता भी जेल रोड स्थित दुकानें तोड़ने का अल्टीमेटम मिलने पर भड़क गए और व्यापारियों से मिलने पहुंच गए। नगर विधायक ने कहा कि जब तक व्यापारियों की दुकानों का निर्णय नहीं होता है तब तक वे भी यहीं बैठेंगे। यूपी सरकार का बुलडोजर अपराधियों पर चलेगा ना कि गरीब जनता पर। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि गरीबों की परेशानी का हल करें, उनकी परेशानियों को ना बढ़ाएं। जो जैन मंदिर पे लगभग 80 के करीब कोके यहाँ पे रखे हुए हैं और ये कोके लगभग 30-40 साल पुराने कोके यहाँ पे 50 साल पुराने कोके हैं, परिवारों की आजीविका चल रही है। उन कोकों को हटाने के लिए नगर निगम के अधिकारी अजीत सिंह जो अपर नगर आयुक्त हैं वो आए, उन्होंने यहाँ पे आके व्यापारियों को धमकाया, उनको आज शाम को ही खोके खाली करने की धमकी दी और उन्होंने कहा कि यदि खोके खाली नहीं किए जाएंगे तो वो बुलडोजर चलाएंगे। मैं पहली बार नगर निगम के अधिकारियों को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि खोकों को अगर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया तो उसका अंजाम उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि बुलडोजर अपराधियों के लिए बनाए, ना कि गरीब जनता के लिए ना और व्यापारियों के लिए। सरकार को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो हाल 2024 में हुआ वो भी ऐसे अधिकारियों की वजह से ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन व्यापारियों ने, मुरादाबाद की जनता ने 14 में बनाया, 17 में बनाया, 19 में बनाया, 22 में बनाया, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी सरकार बनी है। जो भी कार्रवाई होगी खाली हिंदुओं पर ही होगी, हिंदू मोहल्लों पर होगी, हिंदू व्यापारियों पर होगी। एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब तक इनका निर्णय नहीं हुआ था मैं यहाँ पे मौके पे मौजूद रहूँगा और यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। नगर निगम के अधिकारियों का रवैया जैसे कि बताया गया बहुत ख़राब था। मैं नगर निगम के अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपना रवैया वो ठीक कर लें। वो लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक के राजा नहीं हैं। वो पब्लिक की समस्याओं को दूर करने के लिए उनको बैठाया गया है। जो राजा वाला है वो लोग एहसास करते हैं और जनता को जो है का शोषण करते हैं उसको बंद कर दें। वो पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी सर्वेंट हैं, तो उनका बिहेवियर उस हिसाब से होना चाहिए। अपना उनको जो भी विषय रखना है शालीनता के साथ रखें, ना कि तानाशाही के साथ रखें। वो लोग, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ उनको ये बात।